पीएनबी बैंक 1 अक्टूबर से बंद करेगा पुरानी चेकबुक। पैसों के लेन देन के लिए ग्राहकों को दी जाती है ये सलाह। पीएनबी बैंक अपनी पुरानी चेकबुक को बंद करने जा रहा है 1 अक्टूबर से। अगर आप भी पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहक हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है। देश का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक पीएनबी पुरानी चेकबुक को 1 अक्टूबर से बंद करने जा रहा है। बैंक ने ट्वीट करके इस बारे में ग्राहकों को जानकारी दी है। दरअसल ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ओबीसी और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया यूएनआई का पंजाब नेशनल बैंक के साथ विलय कर दिया गया था, जिसके बाद ग्राहकों की चेकबुक और एमआईसीआर कोड बदल गए हैं। 1 अक्टूबर से आपकी पुरानी चेकबुक बंद हो जाएगी। पीएनबी ने एक ट्वीट में कहा है कि 1 अक्टूबर से ईओबीसी और ईयूएनआई के पुराने चेकबुक काम नहीं करेंगे। ग्राहकों से कहा गया है कि जिन लोगों के पास ओबीसी और यूएनआई बैंक के पुराने चेकबुक हैं, वे जल्द नए चेकबुक से रिप्लेस करवा लें, अन्यथा 1 अक्टूबर से पुराने चेकबुक बेकार हो जाएंगे। नए चेकबुक पीएनबी के अपडेटेड आईएफएससी कोड और एमआईसीआर के साथ आएंगे। नई चेकबुक के लिए ऐसे आपको अप्लाई करना है। नई चेक के लिए ग्राहक को बैंक की ब्रांच में जाना होगा। इसके अलावा बैंक के ग्राहक ऑनलाइन भी चेक के लिए आवेदन कर सकते हैं। आप इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग के जरिए चेकबुक के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर पर भी कर सकते हैं कॉल। ग्राहक अगर चाहते हैं कि चेक से ट्रांजैक्शन में कोई दिक्कत ना आए तो नए चेकबुक लेना बहुत ज़रूरी है। ग्राहक इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेने के लिए टोल फ्री नंबर 1800180222 पर फ़ोन कर सकते हैं। क्या होता है MICR कोड? MICR कोड या मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन कोड एक 9 अंकीय कोड होता है। यह उन बैंक शाखाओं की पहचान करता है जो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम में भाग ले रहे हैं। इस कोड में बैंक कोड, खाता विवरण, राशि और चेक नंबर जैसे विवरण शामिल होते हैं। यह कोड एक चेक लीफ के निचले भाग में स्थित हो सकता है। इस 9 अंक के कोड के पहले 3 अंक शहर, अगले 3 अंक बैंक और अंतिम 3 अंक ब्रांच के कोड को दर्शाते हैं। आपको बता दें कि पुराने आईएफएससी कोड के बदले नया कोड लेने के लिए ग्राहकों को अपने बैंक प्रमाण की एक सॉफ्ट कॉपी जमा करनी होगी। ऑनलाइन संशोधन के लिए अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड से जुड़ा हो उससे रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। Please like and share my video. Please subscribe my YouTube channel. Thanks for watching.